हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महिंद्रा। था सिंघम अकेडमी भूल भुलैया 3। जब से क्लैश की अनाउंसमेंट हुई और जब से क्लैश हुआ है ना, यही बातें कही जा रही हैं कि भाई साहब रेस में कौन जीतेगा। एक तरफ बताया जा रहा था सारे बड़े बड़े एक्टरों की फौज है, एक तरफ सिर्फ कार्तिक है। जब क्लैश होता है, जब थर्ड पार्ट आता है ना, तो नॉस्टैल्जिया फैक्टर स्टार पावर से भारी पड़ता है। देखो, रेस जरूरी नहीं है वही जीतता है जो रेस में तेजी से शुरुआत करता है। रेस वो जीतता है जो थ्रू आउट द रेस, पूरी जर्नी के दौरान एक स्टडी कलेक्शन, स्टडी जो स्पीड होती है ना, उसको मेंटेन करके चलता है। वीक वन किसके नाम रहा? वीक वन रहा भाई सिंघम अगेन के नाम रहा, और उसके बाद वो ज़्यादा पीछे नहीं है। भूल भुलैया 3 ज़्यादा पीछे नहीं है। अगर मैं सिंघम अगेन के वीक वन की बात करूँ ना, 186.60 करोड़, और BB3 के वीक वन की बात करूँ तो 168.86 करोड़। अगर मैं बात करूँ फ्राइडे की, यानी कि डे 8 की, तो सिंघम अगेन का ट्रैकिंग वेबसाइट के हिसाब से 8 करोड़ आ रहा है। अगर 8 आता है तो 195 पे पहुंच जाएगा, और उसका आ रहा है 9.5 करोड़। 9.5 होता है तो BB3 पहुंचेगी 177.50 करोड़। तो कितने का डिफरेंस रह गया दोनों के बीच में? 17.5 करोड़ का। यानी कि सिंघम अगेन BB3 से 17.5 करोड़ रुपए आगे है, मात्र 17.5। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी पहला वीक सिंघम अगेन के नाम रहा, जबकि उसके पास स्क्रीन ज्यादा थी। मैंने पहले बोला है स्क्रीन्स मैटर नहीं करती, ऑक्यूपेंसी मैटर करती है। ऑक्यूपेंसी पब्लिक जिसके साथ है वो जाएगी। पहले वीक में कौन देता है? हम जैसे, आप जैसे जो सिनेमा लवर हैं, बहुत ही जो तगड़े फैन होते हैं ना, वो देखते हैं। सेकंड वीक कौन जाता है? आम जनता, जिनको वर्ड ऑफ माउथ समझ आ गया, जिनके पास अब वक्त है, दिवाली के सारे काम खत्म हो गए, जिन्होंने सुन लिया, देख लिया कि मुझे कौन सी फिल्म डिसाइड करनी है, जिनका बजट एक ही फिल्म का होता है। आज से फिल्म का रन टाइम, मतलब लाइफ टाइम डिसाइड होगा कि कौन सी फिल्म लाइफ टाइम में विनर हो सकती है। अब आज सेकंड वीकेंड के फर्स्ट डे यानी कि सैटरडे को देखते हुए लग रहा है BB3 सिंघम अगेन को बीट कर सकती है, और अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर सकती है। क्यों मैं तो बोल रहा हूं ऐसा? देखो, सिंघम अगेन सुबह से ही बुक माई शो के ऊपर लगभग 13,000 के आसपास टिकट बेच रहा है एक घंटे में पर आर, और BB3 बेच रहा है 19,000 के आसपास लगभग, मतलब समझ रहे हो, 50% से ज्यादा की ग्रोथ दिख रही है। अगर सिंघम अगेन की बोरिंग ऑक्यूपेंसी की बात करूं 13%, और उसकी है 16% प्लस सिंघम अगेन की। यहां पर भी वो भाई साहब 20% की ग्रोथ दिखा रहा है ऑक्यूपेंसी में मॉर्निंग। अब अगर सिंघम अगेन को बराबरी पर भी आना है ना, तो इवनिंग नाइट ऑक्यूपेंसी सॉलिड जानी चाहिए, क्योंकि कल संडे है, बढ़िया जाएगी तो भाई साहब बराबरी कर सकती है, नहीं तो आज BB3 इसको ठीक ठाक मार्जिन से बीट कर सकता है 17.5 करोड़ रुपए। अब देखते हैं सिंघम अगेन जो आगे चल रहा है ना BB3, कब तक उसको बराबर लेकर आएगा और उससे आगे जाएगा। आम जनता का क्या फैसला होगा वो हमारे को 2 वीक खत्म होने के बाद पता लग जाएगा कि आम जनता ने किस फिल्म को ज्यादा प्यार दिया, किस फिल्म को ज्यादा सपोर्ट किया, और कौन सी फिल्म लाइफ टाइम में ज्यादा कमाएगी। 2 वीक खत्म होने के बाद BB3 तो भाई सुपरहिट का टैग लेकर चले जाएगी, पर सिंघम अगेन ने अभी तक अपना बजट भी पूरा नहीं किया है, तो बहुत टेंशन वाली बात है उनके लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि आज BB3 इनको हरा सकती है, पर सिंघम अगेन दम मत हारना। फैंस नहीं देखी है तो जाओ, मास मसाला देखना है तो जाओ, आपके ऊपर है, आपको कौन सी फिल्म पसंद आती है। आम जनता अपना वर्डिट 2 हफ्ते तक दे देगी, क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।